बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आपके घर का लिविंग एरिया कैसा होगा ये बता दिया, आपके घर के मुख्य द्वार की स्थिति कैसी होगी ये बता दिया, अब बताते हैं आपके घर की रसोई के बारे में, किचन के बारे में। देखिए, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है ये बात आपके घर की रसोई बताती है, और अगर घर की रसोई का रंग ठीक हो तो घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। ये जो स्थान है ये मंगल से और कुछ अर्थों में सूर्य से संबंध रखता है। मंगल और सूर्य दोनों फायर के प्लेनेट हैं, मंगल के पास थोड़ा जल भी है, सूर्य पूरी तरह से फायर है, और रसोई में फायर और वाटर दोनों का बराबर मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मंगल और सूर्य की भूमिका वहां पर जरूर होती है। रसोई घर का रंग पीला या नारंगी अगर आप रखें तो ये काफी ज्यादा शुभ होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा। रसोई घर में थोड़ी देर ही सही, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आने से लाभ होगा। और रसोई घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग ना करें, यानी रसोई घर में हल्का पीला, या आप रसोई घर की 3 दीवारें सफेद करा दें, 1 दीवार को पीला करा दें, या 1 दीवार को ऑरेंज करा दें। ऑरेंज और येलो का प्रयोग रसोई घर में करना बहुत अच्छा होता है, लाइटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए और रसोई में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने घर की रसोई को आप ठीक रखें, तो आपके घर में सामान्यतः कोई बीमार नहीं पड़ेगा। देखिए, घर का जो बेडरूम है ये बताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके पैसे के बारे में। आपके घर का बेडरूम जितना बेहतर होगा आप उतने ही ज्यादा प्रॉस्परस होंगे, उतने ही ज्यादा धनवान होंगे, संपन्न होंगे। तो घर के शयन कक्ष को कैसा होना चाहिए, ये जो स्थान है आपका बेडरूम, ये शुक्र और कुछ अर्थों में शनि से संबंध रखता है। आपके घर का बेडरूम शुक्र का पार्ट है पूरी तौर से 80%, और चूंकि बेडरूम में अंधेरे में सोते हैं इसलिए शनि की भूमिका भी 20% हो जाती है। बेडरूम में ठंडे रंगों का प्रयोग करना लाभकारी होता है, गर्म रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठंडे कलर्स का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे बेडरूम में गुलाबी, हल्का हरा और क्रीम रंग शुभ होता है, या आप पूरी तरह से वाइट कर दीजिए, वाइट भी अच्छा होगा। किचन में गर्म रंग का प्रयोग करते हैं, पीले और नारंगी का, लेकिन यहां पर ठंडे कोल्ड कलर्स का प्रयोग करेंगे। और बेडरूम में लाल रंग का इस्तेमाल मत करिएगा, वरना पति पत्नी के बीच में झगड़े जरूर होंगे। और बेडरूम में नीले रंग का प्रयोग भी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने बेडरूम में हल्के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी शास्त्र कहता है कि पूरी तरह से 100% अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए, हल्का सा प्रकाश, हल्की सी रोशनी रहनी चाहिए। तो बेडरूम में कलर्स का बेहतर इस्तेमाल करें, बेडरूम को साफ सुथरा रखें, और याद रखें बहुत पर्सनल कोना है आपका, इसलिए आपके बेडरूम में हर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बेडरूम को ठीक रखेंगे, तो घर में सामान्यतः किसी को भी धन का अभाव नहीं होगा। घर का जो बाहरी रंग है या घर जो बाहर से दिख रहा है आउटर, ये आपके भाग्य को डिसाइड करता है। आपका भाग्य स्थान है क्योंकि घर आपको मिला है आपके भाग्य की वजह से। अब उसमें आप ये समझिए कि जो रंग आपका शुभ रंग हो आपकी कुंडली के हिसाब से, वही रंग घर के बाहर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक घर में कई लोग हो सकते हैं, तो घर का जो मुखिया है उसके लिए जो शुभ रंग है वही घर के आउटर का रंग होना चाहिए।
घर के मुखिया की कुंडली कर्क लग्न की है, बृहस्पति भाग्येश है, तो स्वाभाविक बात है घर के बाहर का रंग पीला हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो घर के आउटर का रंग सफेद रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। व्हाइट कलर का इस्तेमाल करने से घर के आउटर की स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहती है, या घर के मुखिया का जो शुभ रंग है उस रंग को आप घर के आउटर में प्रयोग कर सकते हैं।